कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग आसानी से वायरस का शिकार हो जाते हैं। देश में जैसे जैसे कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, लोग एक बार फिर अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तमाम तरह के उपाय करने में लग गए हैं। हम अपने खानपान में बदलाव करके अनेक प्रकार की बीमारियों को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। गर्मियों के सीजन में आपके घर में क्या है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में फायदेमंद हो सकता है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। गर्मी के मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दही का सेवन करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। प्रतिदिन कम से कम एक कटोरी दही जरूर खाएं। आप दही को नाश्ते में रोटी या पराठे के साथ और दोपहर में दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। गर्मी के मौसम में छाछ का सेवन करना बहुत लाभदायक होता है। छाछ पीने से पाचन तंत्र ठीक रहता है। दिन में गुड़ के साथ छाछ पीने से शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होती है। गर्मी के मौसम में केला खाना भी बहुत फायदेमंद होता है। केले में आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। ये सभी तत्व हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। केले में मौजूद आयरन हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। इस समय केला खाना हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। गर्मी के मौसम में पुदीना हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इस जड़ी बूटी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो हानिकारक कणों को दूर रखते हैं। आप रोजाना पुदीने का पानी पी सकते हैं। इसके साथ ही आप पुदीना की चटनी का भी प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास सराहनीय लग रहा है तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khabarabtak.com पर लॉग इन करके तमाम तरह की महत्वपूर्ण खबरों को भी देख सकते हैं।